एक अचंभे की बात बताऊं, मरते दम तक भी बड़े बूढ़े बुढ़ा बुढ़िया कम से कम 7000 के नौकर होते हैं। 7000 कोई सिक्योरिटी वाला तो मरे से मरा रखोगे तुम्हारे दरवाजे पर तो 7000-6000 से कम नहीं लेगा, और वह भी इनके बराबर वफादार नहीं होगा साहब। लेकिन इन्हें सिर्फ रोटियों पर मिलने वाला नौकर भी इस औलाद को सुहाता नहीं है, बाता नहीं है। ये दर्द सब बड़े बूढ़ों का है, सब मुझे आके सुनाते हैं, मुझे बहुत रोना आता है। केवल रोटी के टुकड़ों पर नौकर मिल रहा है जो तुम्हारी रखवाली रखता है, हैं? और उस नौकर को भी बहू ये कहती है कि देखो जी, कह तो पापा को अलग कर दो और नहीं फिर मैं मायके चली जाऊंगी। हमने खुद को भी मिटा डाला मगर फासले दो दरमियां के रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये बड़े बड़े क्या सोचते थे पता है, ये दोनों तीनों बच्चे लायक हो जाएंगे ना, हाय फ्री हो जाऊंगा, दो मेरे तीन तीन चार चार शेर होंगे, मेरी बहुएं होंगी, नाती होंगे, हैं, कितना सुंदर जीवन होगा। लेकिन उस दिनों से बहुत रोना आता है जब चार बहुएं हैं, 10 नाती हैं, बेटे हैं, और उसे सोचना पड़ता है कि मैं किसके यहां से रोटी मंगाऊं, बड़े के यहां से या छोटे के यहां से या उसके यहां से। दो दो घंटे सोचता है, फिर भी हिम्मत नहीं होती कि रोटी मंगाने के लिए कह दूं कि तू दे जा। हमने खुद को भी मिटा डाला मगर उन संस्थानों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्हें मां बाप ने भले ही कुछ न दिया हो लेकिन मां बाप की सेवा करने के जिनके मन में अरमान है, जो करते हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूं साहब। माँ बाप से केवल लेने के लिए बने हैं क्या हम, हैं? और कब तक लेने की आस बनाए रखेंगे? धिक्कार है उस औलाद को जो पैरों पे खड़ा होने के बाद भी माँ बाप की दौलत पर अपनी नजर रखता है। उस बहू को और उस औलाद को मैं धिक्कार देता हूं व्यासपीठ से साहब।